आईआईटी खड़गपुर के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म से वो आपके बाहर आ चुके हैं, एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के टाइम पर। और आपके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। और बाकी भी जो डिटेल्स वो भी सब हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो बेल आइकन है इस चैनल का वो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, बिकॉज जो जो डिटेल्स यहाँ पे जो जो बातें होने वाली है आईआईटी खड़गपुर एलएलएम से जुड़ी हुई वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि 15 फरवरी को हमारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कमेंसमेंट हो चुका है और आपके पास एक महीने का टाइम है यहाँ पर 15 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप तब तक फॉर्म को भर दो, वध है। इसके बाद जो आपका एग्जाम है ठीक है वो आपका 23 अप्रैल को होगा, टेंटेटिव डेट है आपकी। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूँ तो 2 महीने के आसपास का टाइम है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन जो भी है आपकी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और आपका जो सीबीटी वाला एग्जाम है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका होगा 23 को। फिर इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होना है ना, इंटरव्यू के अंदर जो लोग सीबीटी में क्वालिफाई करते हैं उसके अंदर मान लो अगर 40 सीटें हैं तो 5 टाइम्स दैट या 6 टाइम्स दैट वो लोग कॉल करेंगे फॉर इंटरव्यू। वो आपका 8 से लेकर 12 मई के बीच में आपका होगा और ये आपका जो इंटरव्यू होगा ये आपका ऑनलाइन होगा ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अगली चीज की, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझ लेना थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर मान लो आपके पास एक फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट बैचलर्स इन लॉ है 5 ईयर वाला, तो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर हो बीसीआई के द्वारा आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंडली वो लोग जो कि किसी फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होल्ड करते हैं एलएलबी की जो कि 3 साल वाली होती है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग भी एलिजिबल है। पर साथ में उसकी एक चीज और भी है कि आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की जो कि 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए अंडर द ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमर्स या फिर इक्विवेलेंट किसी स्ट्रीम में। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके बाद ही आप जो 3 साल की एलएलबी की डिग्री परस्यू करोगे वही आपको एलिजिबल बनाएगी यहां पर एग्जाम को परस्यू करने के लिए। मतलब ये है कि जिन लोगों के पास 2 साल वाली डिग्री है अगर ग्रेजुएशन की तो वो लोग यहाँ पे इसके हिसाब से वेबसाइट के हिसाब से तो फिल इन नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार जो एडमिशन सेल है उनका नंबर आप जाइए वहां पे कॉल करके एक बार कॉन्टैक्ट करिए अगर ये चीज यहाँ पर नहीं है, बट जितना वेबसाइट पे लिखा है उसके हिसाब से तो यही चीज आपकी मतलब यहाँ पे मान्य है ठीक है। इसके बाद जो आपकी डिग्री है वो जो भी इंस्टीट्यूट अवार्ड कर रहा है अगर उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा ये चीज कि ये डिग्री में आप बेसिकली फर्स्ट क्लास आप यहाँ पे आए थे, तब माना यह जाएगा कि एज अ मिनिमम ऑफ 60% आपके मार्क्स या फिर 6.5 आपका सीजीपीए इन स्केल होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल रहोगे यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ठीक। इसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि जो सीजीपीए है उसको हम लोग परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर जो अवार्डिंग डिग्री वाला इंस्टीट्यूट है वो अगर सीजीपीए में मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है सीजीपीए सिस्टम के अंदर तो जो एडमिशन होगा वो बेस्ड अपॉन सीजीपीए होगा जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी हुई है। और अगर मान लो सीजीपीए डिफरेंट स्केल पर है अदर देन टेल तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेट कर जाएगी इक्विवेलेंस के हिसाब से। मतलब अगर आउट ऑफ 10 सीजीपीए है आपका मतलब 6.5, 7, 8 है तो जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा गया है वही माना जाएगा। आप अलग से कोई ये नहीं कह सकते कि सर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट था ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ नहीं। और मान लो अगर सीजीपीए का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है तब वो लोग इक्विवेलेंस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, सीधा सीधा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर से अपना एलएलबी परस्यू कर रहे हैं और 8.5 से ऊपर उनका सीजीपीए है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए विदाउट गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट। सीधा सीधा यहाँ पे वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। दीज आर द सबसे ज्यादा क्लियर थिंग्स जो मैं आपको बता दी। अब इसके बाद जो अगला एक पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि हमारे पास ये डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आप छठा पॉइंट जो है यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे एलएलएम के हिसाब से तो अगर मान लो आप एलएलबी के फाइनल ईयर में हो ठीक है तो आप यहाँ पर या फिर लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस अपना जो आपका प्रीवियस ईयर की सेमेस्टर की ग्रेड शीट या मार्कशीट है जो कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स को दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसको जाकर अपलोड कर दो। सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके एडमिशन जो है सब्जेक्टेड रहेगा टू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपका 6.5 से ऊपर सीजीपीए होना चाहिए था, बाकी चीजें होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से आपको
फिर वहां पे जज किया जाएगा, बट अपना आप जो ये सेमेस्टर की है, प्रीवियस सेमेस्टर ईयर की जो वो है ग्रेड शीट ऑफ अपग्रेड अपना अपलोड कर सकते हो। ये आपका साफ साफ एफएक्यू के 6 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपीयरिंग में हो अगर आप ये फॉर्म भर सकते हो, वन थिंग। इसके बाद यहां पर जो आपका ये वाला फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से या फिर इसके साथ आप बिलोंग करते हो, तो अपना जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड आपको करना है, ध्यान रखिएगा वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फीस है फॉर मेल्स इट इज 3,000 रुपीज, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं। और उसके अलावा जो आपकी फीमेल्स हैं उनके लिए 1,500 रुपीज के यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप थर्ड जेंडर के हो या फिर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो भी 1,500 का ही आपका पड़ेगा। फिर मैं बात करूं जो फीस है यहाँ पे प्रोग्राम की, तो आपका ये जो प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपका 75,750 रुपीज, यहाँ पर सब्जेक्ट टू चेंज है बेसिकली, ये आपका सेमेस्टर का जो एडिशनल चार्जेस मिलाकर है वो आपका रहेगा फीस का, एक सेमेस्टर का इतना फीस यहाँ पे होने वाला है, सीधा सीधा यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपके सिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करके चलना है, कि मान लो अगर आप अपनी चॉइस वन भरते हो फिर जो चॉइस टू है वो भरते हो एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पे, तो जो एग्जामिनेशन है वो इन 5 सिटीज में तो डेफिनेटली कंडक्ट होगा ही होगा, मतलब सेकेंड चॉइस की जो आपकी सिटी है ना उसके अंदर तो एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो जो आपने पहली चॉइस भरी है जो कि इन सिटीज में से होगी, इसमें मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने नहीं है जो कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा करे, तो आपको सेकंड चॉइस वाली सिटीज के अंदर ही भेजा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट चॉइस को और सेकंड चॉइस को आप अच्छे से आराम से देख कर फिल करना। तो मतलब ये जो आपकी सिटीज है ना इनमें डेफिनेटली एग्जाम होना है, इन सिटीज के अंदर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंप्लीट नहीं पड़े तो वो लोग आपको फिर इसी में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे तो ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा। दिस इज दैट वन थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए व्हाइल फिलिंग इन योर प्रीवियस सिटी, कौन सी है वो कौन सी है अपना देख के चलना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या होना है कैसे होना है, आप कमेंट्स मुझे नीचे बताइए। बाकी जो कुछ एक आध चीजें हैं जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन है उसको भी मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करने की, फ्रॉम द आईआईटी खड़गपुर कॉलेज इटसेल्फ मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि मैं कंफर्म बता पाऊँ कि जो आपका 3 ईयर वाला ये क्लॉज है ना उसका आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर मैं आपके पास मतलब पूरी कोशिश करूंगा बताने की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही हम लोग ये प्लान भी कर रहे हैं कि अगर हम लोग को आईआईटी खड़गपुर के लिए मॉक पेपर की कोई सीरीज निकालनी होगी, वी आर इन द वर्क्स, अगर वो निकलेगी वी विल नोटिफाई यू फॉर द सेम। आपको अगर होगा तो नीचे जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा उस टाइम पे अगर लॉन्च होता है तो हम लोग आपको बता देंगे, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो उस चीज को। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।